वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह। सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल आ जी। तो देसां परदेसां जिथे जिथे भी होंगे तो आस करदा सब सेहतमंद तंदुरुस्त चढ़दी कला जिंदाबाद होंगे। तो अज आप खड़े हाँ खेड़े दोने अड्डे के उपर, तो जो कि तुम देख ही रहे। तो अज आप है सारे वीर पैरे के उत्ते। अज अपने सारे भरा पैरे के उत्ते आ भी अपना वीर साहब भी सुलखण सत श्री अकाल जी सारे। तो अपना आकाश वीर आ जी सत श्री अकाल भाई सारे जी। तो अपना गोरी आ जी पुत्र भतीजा ला लो। तो मैं सारे दस दिए कि अज सारे वीर आए हुए पैरे के उत्ते। अज पैरा ला रहे तो एक पहले आवाज दे के दिखा देंगे, बाद फिर मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा नाल नाल। जागदे रहो जोश होना चाहिए इदा दी अगे जोश ना आउंदे कैमरे वाल देख के थोड़ा थोड़ा संग जांदे बंदे। तो एक हुण गल करदे आं आपां शेर। चलो सत श्री अकाल सारे वीरां नूं। ते अज सारे वीर साबित लखण अपना गोरी वीर गोरी भरा भतीजा ते अपना आकाश वीर जिहड़ा हुण इस टाइम कैमरा चला रहा। ते अज चारे जणे हैगे आ पैरे दे उपर। ते अज पिंड दीआं जिम्मेवारियां दा भार साडे चारां दे मोढ़िआं दे उत्ते आ। ते अपनी जिम्मेवारी अहीं निभा रहे आ सारे पिंड विच राउंड ला के हरेक गलियां दे विच गेड़े ला के। तो मुंडे ने आवाजां दित्तियां बड़े जोश नाल तो बहुत वधिया लगा। अपना गोरी ते आकाश ने बड़ी उच्ची उच्ची आवाजा मारियां तो सारे पिंड दे विच पता लग गया उहनां दे विच पिंड च पैरा लगा। तो इदां ही आ चाहीदा जरूर आ हरेक जिहड़ा भी बंदा पैरे ते आउंदा वा तो उहनूं आप जो पैरे ते आउंदा मतलब इह भी अपने पिंड दी जिम्मेवारियां दा भार अपने मोढ़िआं दे उत्ते आ। तो आप अगर पिंड दे अज सिपाही बन के पिंड दे विच घूम रहे हाँ तो आप पिंड दी राखी वास्ते तुरे फिरदे सारे। तो अपना करके सारे अज आराम नाल सुते पए आ ते असीं चारे जागण डए आ। तो धन्नवाद सानूं अज पिंड दी सेवा करन दा मौका मिलिया बहुत 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 वधिया लगा। तो अज बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया इहदे विच्चों। तो मैं कहा चलो दो गल्लां शेयर करदे आ। जिद्दां हुण मुंडे दी उमर किन्नी कु उमर तेरी हुण? हाँ हाँ जी 18 साल दी उमर होनी आ। असीं वी जदों 18-19 सालां दे होणे आ हुण अज उमर साडी 36 साल आ। हाँ जी ते 37 साल लगा होया। तो मैं कहा जदों इहदी उमर दे सी असीं नहीं ना ते अपने गोरी दे गुरी का पक्का ना की गुरजिंदर सिंह इदा गया कर फिर मैं प्यार ना गुरी कह दें। तो गुरजिंदर सिंह की उम्र देे अं तो जो कट्ठे होना तो अं एक दूजे रल मिल के मुंडिया मुंडिया ने पहरा लवा लेना किसी दिन पाथियां चक लिया अग बल बल सेकी जानी तो किसी लैट जगा लैट थले जाके बह के ताश खेडन लग पैना। तो वह जो बचपन के दिन से मैं चलो गल्ला साझिया कर दें दोक। तो वह चीज़ा का तो पता नहीं सगा भी पिंड की जिम्मेवारी किड्डी वड्डी हुंदी आ। तो वह जिम्मेवारी का अहसास हुंदा जो तुहानू जिम्मेवारियों का पता लगना शुरू हो जाता। तो उदों देख लो ताशा खेडी जानियां कोई परवाह नहीं करनी अग्गां सेकी जाणियां बैठिया कोई 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 कुछ होई जाए। तो अज जिम्मेवारी अज देख लो पिंड विच गलियां विच मुंडे भी गेड़े ला रहे आ। देख लो सब भी सुलखणे सारे तो अपने अपनी जिम्मेवारी समझ के सारे पिंड दे राउंड ला रहे आ आवाज़ां दे रहे आ। तो उदों मैं गल करदा वी जिहड़ी उमर चीज़ बंदा सिखदा हुंदा ना तो जरूर शेयर कर देनी चाहिए भी होर भी कोई भैन भरा जो पैरे से आता वा तो एक पिंड की जिम्मेवारी चक के एक ताडे यकीन किया जाता भरोसा किया जाता ताडी पिंड की जिम्मेवारी का भार ताडे मोढ़िआं ते रखा जाता। जो पिंड पैरा लगता जिदा घोली भाजी आए तो उन्होंने साडे पैरा लाया तो पैरे लाने के नाल नाल सानूं एक पिंड की सेवा करन दा मौका मिलता बहुत घट मौके मिलते होंगे। तो जो भी पिंड की सेवा का मौका मिलना जो मिलता वा तो पूरी जिम्मेवारी ना हरेक बंदे नूं निभाउणा चाहिए। तो जिदा असं अज चारे भरा जागण से हम शाम रात के 9 बजे तो पैरा लग्या तो तड़के 4 बजे तक आते पूरी जिम्मेवारी पैरा लावे। तो हूँ इस टाइम मेरा खेल समा 2:30-3 का हो गया जी। तो घंटा डेढ़ होर ड्यूटी देवे फिर सारे ने तो सैरा भी कर लग पैना तो नाले फिर पिंड 4 बजे चल पूगी। तो एक होर मैसेज आ दोस्तों तो जेडे अपने पिंड जिदा नेरे सवेरे बंदे आए जिदा हम पैरा लगा हुआ वा तो जिदा कई बंदे पिंड दे वधिया रुक के गए साडे नाल 2-4 गल्लां भी करके गए तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करके गए तो वधिया लगा। तो कई बंदे जिदा सीधे मोटरसाइकिल स्कूटर लैके उदा लंघ जाते फिर सब भी सुलखण जिहड़े पिछों एक दो बंदे नूं आवाज़ां भी दित्तियां फिर रोक के पुछदे आ पिछों आवाज़ मारनी वधिया जी नहीं लगती। जो आप पिंड दे विच पिंड दे आ तो जरूर रुक के जिन्हां दे पैरा लगा हुआ वो जिम्मेवारी तुहाडे पिंड दी लई हुई आ। तो कल पिछों आवाज़ मारदे तुहानूं भी बुरा लगता है ना पिंड दे सीगे इन्हां ने देखिया नहीं तो काली काली जो लाइट पैंदी अखां दे विच किसे नूं कुछ नहीं पता लगता कौन आउण डिया तो कौन जाण डिया। तो इहदा मतलब फर्ज हुंदा वी अपना आपे रुक के तो हरेक चीज़ नूं दस के जाइए असीं भी असीं तुहाडे अपने पिंड दे आ भी आ गए मित्रों पिंड है ना।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੂ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਧਮੱਕੜ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧਮੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਬੀ ਸਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਬੀ ਸਲੱਖਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਊਗਾ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਪੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਂਦਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮਾੜੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।